मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव से पहले प्रचार प्रसार पूरे सबाब पर आ गया है। नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं और निशाना साधते साधते अपनी भाषा की मर्यादा और शुचिता को भूलते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कूट देने की बात मध्य प्रदेश के एक दिग्गज नेता के द्वारा की जा रही है। मध्य प्रदेश में लगातार एक के बाद एक कई केंद्रीय नेताओं के दौरे हो रहे हैं। कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आ रहे हैं तो कभी देश के केंद्रीय मंत्री। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लक्ष्य लिया है कि वे मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतना चाहते हैं, ऐसे में देश के गृह मंत्री अमित शाह को कूट देने की बात करने पर आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में राजनीतिक घमासान मचने की पूरी संभावना है। आने वाले 7 मई को मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल माने जाने वाली विदिशा, राजगढ़ सहित कई अन्य सीटों पर मतदान होना है और इस मतदान के पहले लगातार मध्य प्रदेश में दोनों ही दलों के नेताओं के एक के बाद एक दौरे हो रहे हैं। इसी दौरान नेताओं के द्वारा बयानबाजी की जा रही है। बता दें कि हाल ही में शुक्रवार के दिन देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने अशोकनगर में गुना लोकसभा सीट से प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में एक सभा को संबोधित किया था। दूसरी ओर देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिग्विजय सिंह जहां से चुनाव लड़ रहे हैं उसी राजगढ़ सीट के खिलचीपुर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रत्याशी रोडबल नागर के समर्थन में कई बातें कहीं और यहां पर दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। इसी सभा में दिग्विजय सिंह को लेकर शाह ने एक बड़ा बयान दिया था, जिस बयान के बाद ये पूरी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। को संबोधित करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि राजगढ़ का बंटर धार करना है क्या, दिग्गी राजा के साथ बंटा ढार शब्द जुड़ गया है। इसी दौरान दिग्विजय सिंह पर लगातार हमलावर होते हुए अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया था और इस बयान में उन्होंने कहा था कि अब दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई करने का मौका आ गया है और आसिक का जनाजा है जरा धूमधाम से निकले। अब समय आ गया है इनको परमानेंट विदाई देने का। राजनीति से दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई राजगढ़ वालों ने करनी है, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आसिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा, उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ वाले करे, यही कहने आ। इसी बयान के बाद अब मध्य प्रदेश की राजनीति लगातार गर्मा रही है। इसके बाद एक कांग्रेस के तमाम नेता अमित शाह पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंडला लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम का एक विवादित बयान सामने आया है। इस बयान में वे अमित शाह को कूट देने की बात कर रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है, तरह तरह के बातें हो सकती है पर इतना गिरा हुआ शब्दों का उपयोग कोई नहीं करता जितना भाजपा के नेता अहम से कर रहे हैं। मैं तो राजा साहब आपके गंभीरता के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे इधर अगर इस तरह से बयान देता तो हम तो टूट जाते। देश के दिग्गज नेता फग्गन सिंह कुलस्ते के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं, लेकिन वे राजगढ़ में दिग्विजय सिंह के समर्थन में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे। इसी दौरान वे अमित शाह के उसी बयान पर खुन्नस निकालते हुए दिखाई दिए। वे लगातार कह रहे थे कि राजगढ़ की जनता का अपमान है, राजगढ़ की जनता ने ऐसा सुन कैसे लिया, अगर हमारे यहाँ अमित शाह आते तो हम तो कूट देते। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए जो भाषा का उपयोग ओमकार सिंह मरकाम जी ने किया है ये बेहद आपत्तिजनक है, अभद्र है और निचले स्तर का है। साथ ही ये कांग्रेस की बौखलाहट छटपटाहट को दिखाता है। ओमकार जी, आप तो जानते हैं कि जनाजा अगर किसी ने निकाला है तो वो जनता ने निकाला है। आप जानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने जो ध्रुवीकरण की राजनीति को अपनाया, जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया, पहले मुख्यमंत्री के पद से, पिछले लोकसभा में, और इस बार भी यही होने जा रहा है। तो जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, जो जनता की भावना है, उसको स्वीकार करें बजाय कि निचले स्तर पर जाने के।
बता दें कि ओमकार सिंह मरकाम का नाम मध्य प्रदेश के बड़े आदिवासी नेताओं में शामिल है। वे लगातार एक के बाद एक कांग्रेस के पक्ष में कई आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। इससे पहले जब 18 महीने की कमलनाथ की सरकार आई थी, उस बीच ओमकार सिंह मरकाम को कांग्रेस की सरकार में मंत्री बनाया गया था। लेकिन अब ओमकार सिंह मरकाम ने जब ऐसा बयान दिया है, तो इस बयान के बाद सीधे तौर पर यह अंदेशा जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति में इस बयान का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।